हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है शिवप्रपाल सिंह सोखी और तड़के पे तड़का में आप सभी का स्वागत है। मैं एकदम बेसिक वाली रेसिपी बना रहा हूँ। ये जो रेसिपी है ना, मेरी बेटी को भी पसंद है, साथ में ये जो इंग्रेडिएंट है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको पसंद नहीं है भिंडी। कई लोग तो ऐसे हैं जो तीन टाइम भिंडी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। मेरे घर में ऐसा होता है, ये मुझे पता है। लेकिन भिंडी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बच्चों की पसंद है, किसी प्रकार भी बना के खिला दीजिए वो खा लेंगे। तो मैं भिंडी मसाला बना रहा हूँ, एकदम सिंपल वाली रेसिपी। सबसे पहले क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तेल ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने, 3 बड़े चम्मच तेल। इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं, ठीक है जी। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो भिंडी ले लें। भिंडी लगभग मैंने यहाँ पे 300-400 ग्राम ली है और इसे काट के हमने इस तरह से रेगुलर शेप में काट लिया, थोड़ा बड़ा बड़ा, और इसे भून लेते हैं। अब ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, अगर आप मसाला भून के भिंडी डालते ना तो लेस पकड़ लेती भिंडी, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, उसका कलर भी ख़राब हो जाता। ऐसे में कलर बेहतरीन होगा और आपको ज़्यादा देर स्टर फ्राई नहीं करना होगा मसाले। थोड़ी देर मिक्स किया बस, कलर भी बढ़िया और खाने में स्वादिष्ट, बच्चों को और अच्छा लगेगा। ये छोटी सी टिप है लेकिन बड़ी काम की टिप। कई बार ऐसे होता है कि आप देखें कि भिंडी जो है ना, आपने डाल दिया उसमें लेस छूट गई तकलीफ। इसीलिए ये ऐसे फ्राई करेंगे, लेस नहीं छूटेगी, ठीक है। भिंडी को काटने के बाद कभी मत धोइएगा। भिंडी आपने पहले लेके धोनी है, उसके बाद एक मलमल के कपड़े में या किचन डस्टर में डाल के सुखानी है और इमीडिएटली नहीं काटना। ड्राई हो जाए जब भिंडी, फिर उसके बाद काटेंगे, वरना काटते काटते एकदम लेस छूट जाए। अब भिंडी का रंग जो है बढ़िया हो गया, अब मैं इसे निकाल लेता हूं, ठीक है जी। कोशिश करूंगा कि काफी सारा तेल जो है इसमें से निकल जाए। ये देखिए, तो भिंडी हमने बढ़िया फ्राई करके रख ली। अब फटाफट मसाला बनाते हैं। जो बचा हुआ तेल है उसमें एक जीरा डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच, अदरक और लहसुन 1-1 छोटा चम्मच डाल लें, हरी मिर्चें 2-3 चॉप करके डाल लें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी बड़ी बड़ी काटिएगा, ऐसे बड़ी बड़ी, ताकि अलग हटा सके। बारीक काटेंगे तो उनको तीखा शायद लग सकता है। अब इसमें एक बड़ा प्याज चॉप करके डाल लें, भून लेते हैं अच्छे से। 3-4 मिनट भूनने के बाद इसमें 2 बड़े टमाटर चॉप करके डाल लेते हैं। और अब डालेंगे मसाले। सबसे पहले नमक, नमक डालते वक्त झूमिए, नाचिए, गाइए और बोलिए नमक चमक तने तने, हा हा, क्या बात है, एकदम दोनों हाथ ऊपर करके झूमिए, नाचिए, गाइए। और इसके साथ साथ मसाले, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये लीजिए, हरी मिर्चें डाली इसलिए मैंने कम डाला, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर ये जरूर डालता हूँ मैं 1 छोटा चम्मच, ठीक है जी। ये डाल दिया, अब अच्छे से मसाला भून लेते हैं। ये लीजिए मसाला, अब अच्छे से भूनने के बाद 1/4 कप पानी डालता हूँ, बस थोड़ा सा, ताकि मसाला बढ़िया मिक्स हो जाए। अब इसमें भिंडी डाल लेते हैं, अब
अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने अगर भिंडी पहले नहीं भूनी होती, ठीक है जी, और इस तरह से डाल दिया होता, क्योंकि हमने पानी डाला था तो ये सारा मिश्रण ऐसे चिकट लेस हो जाता है, जो भिंडी की लेस है ना वो इसमें सारी बन जाती। और ऐसे में एक चीज़ और भी बढ़िया हो रही है, वो ये है कि भिंडी में जो तेल था वो भी अब मसाले में चले गया है और टेस्ट जो है बढ़िया हो जाएगा, इसलिए हमने तेल और नहीं यूज़ किया था। स्टार्टिंग में जो यूज़ किया बस, अब इसमें हरा धनिया 2 बड़े चम्मच काट के डाल लें, स्वादिष्ट हो जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है। वाह, भिंडी मसाला बिल्कुल तैयार है परोसने के लिए मेरे पास। ये प्लेट, इंडक्शन बन, ये लीजिए। फाइनली थोड़ा सा धनिया डाल लें। आहा, क्या बात है, बिल्कुल होम स्टाइल वाली भिंडी मसाला तैयार है। रेस्टोरेंट में जब भी जाके खाते हैं ना, स्पेशली बॉम्बे में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाके आप खाते हैं, तो वो बड़ी अजीब सी ग्रेवी रहती है येलो कलर की, वो आपको डाल के दे देते हैं, भिंडी अलग से फ्राई करते हैं, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। नॉर्थ में जाइए तो अनियन टमाटो मसाला इतना ज़्यादा होता है पूछिए मत। ये बिल्कुल होम स्टाइल है, आपके बच्चों को भी खाने मजा आएगा, आपको भी आएगा, बना के खाइएगा भिंडी मसाला होम स्टाइल।